मुसलमान इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से ये जो कदम आपने उठाया है, समाज की मेन स्ट्रीम में आपको जा पहुंचना है। नरसिंहमूर्ति अवरे, नानु ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇದೆಯಾ? ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಾಹೇಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೈ ಜಬ್ ಪೀಣ್ಯಾ ಮೇ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಹಾ, ಛೋಟೆ ಬಡೆ 2000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ವಹಾಂ ಪರ್ ಥೆ, ವೋ ಸಾರೆ 2000 ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಮೇರೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮೇ ರಹೆ. ಮೈ ವಹಾಂ ಪರ್ ಏಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ರಹೆ ಕೆ ಕಾಮ್ ಚುಕಾ ಕಾಮ್ ಕಿಯಾ ಹೂಂ. ಆಪ್ಕೋ ತಾಜುಬ್ ಹೋಗಾ, ಸುಮಾರು 5000 ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ. 5000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಮೈನೆ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಯ. ಮೈನೆ ಏಕ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಬನಾ ಕೆ ರಖಾ ಥಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಿ. ಸುಬೋ ಸೆ ಶಾಮ್ ತಕ್ ಮೇರೆ ಪಾಸ್ ಲೋಗ್ ಆತೆ ಥೆ ಔರ್ ಇತ್ನೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಕಾಮ್ ದಿಲಾಯ ಕರ್ತಾ ಥಾ. ಜಬ್ ಕೋಯಿ ಏಕ್ ನಯಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಯಿ, ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಲೋಗ್ ಗಯೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅಜೀಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನ್ರಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಜೀಮ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ನೀವು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇರ್. ಅವ್ರು ಆಪ್ಕೋ आगे बढ़ना होगा. मैंने रिपोर्ट में सुना जब हमारे अफसर पाशा साहब कह रहे थे एमआईई में पूरे 500 मेंबरान हैं, उसमें 80 एंटरप्रेन्योर्स हमारी बहनें हैं. जब आप नेक्स्ट ईयर मिलेंगे उनकी तादाद जो है 50% हो, क्योंकि महिला शक्ति बोल के जो बोलते हैं हम पहचान नहीं सके. अगर मुझे पार्लियामेंट को जाने का मौका मिला, सियासतदान 30-3% की बात कर रहे हैं, मुझे मौका मिला तो मैं कहूंगा 50% दीजिए. मर्द जो हैं औरतों के मुकाबले में काम करने में जिम्मेदारी संभाल के जो है आगे बढ़ने में जितना जितनी ताकत अल्लाह ने उनको दिया है, मर्दों को नहीं दिया. तुम तुम्हारे साथ में तुम्हारे औरतों को भी रखिए. अगर आप चेयरमैन हैं तो उनको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाइए, तो उनको आगे बढ़ाना होगा. देखो तरक्की ऑटोमेटिक हो जाती है. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಆಗಿರಿ ಹುಡುಕಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಲ್ಬಿಟ್ಟು. ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಏನಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ 50% ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅದೇನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮೇಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ, ಎಲ್ಲವರೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೇಲೆ 4 ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಮಡಗ್ತೀರಾ ನೀವು? ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ಥರ ಶೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಬಿಟ್ಟು. ತೊ ಮೈ ಬಹುತ್ ಖುಷಿ ಹಾಸಿಲ್ ಹೋ ರಹಿ ಹೈ ಪರ್ಸೋ ತುಮಕೂರ್ ಮೇ ಜಬ್ ಇನ್ಕಾ नया चैप्टर शुरू हुआ तो मैं भी वहां गया था, और फिर मुझे यहां आने के लिए इसरार किए ही मैं आया हूं. बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स है ना, वो आपको अपहोल्ड करना होगा. बिजनेस के अखलाक जो हैं उसमें कोई तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और अपनी यही आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करना होगा. उसके साथ साथ ईमानदारी और क्रेडिबिलिटी जो है उसको भी बचाए के रखना होगा, क्योंकि हम सुन रहे हैं पहली बार मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन का नाम.
दूसरों को अगर 10 आंखें देखते हैं तो आपको जो है 101 आंखें देखेंगे। आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके अखलाक कैसे हैं, आपका तैयार किया हुआ जो प्रोडक्ट कैसा है। कभी यह ना कहें कि जो इनका प्रोडक्ट नंबर 2 का प्रोडक्ट है, फेक प्रोडक्ट है। अगर आप जो है इन चीजों को बचाकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकार खुद पूछेगी, तुम्हारा उसे ओपिनियन लेगी। जैसे किरण मौजूमदार को अगर कुछ करना है तो सरकार बुला के पूछती है, तो इस तरह आपको भी बुलाकर पूछना है। जैसा शेर है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो सरकार आपको बुला के पूछती है तुमको क्या चाहिए, क्या होना है आपको, इस मुकाम पर आपको पहुंचना है। तो ये काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आज डाइस पे हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब हैं। हिंदुस्तान में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जमशेद टाटा जी जो हमारे लीजेंडरी थे, अभी रतन टाटा हैं, इसी तरह हमारे जियाउल्लाह शरीफ साहब को आप कर्नाटक का या हमारे मुस्लिम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का रतन टाटा मार मानकर इनका से सलाह मशवरा करें, वो ज़रूर जो है आपको इंस्पायर करेंगे और आपकी मदद करेंगे, जिससे आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बन के खड़े होंगे, जिससे जो है कौम की भी खिदमत होती है, आवाम की भी खिदमत होती है, और आपके ताल्लुकात दूसरी कौम के लोगों से बहुत ही उम्दा होना चाहिए, बगैर उसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, एक जहती होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये जो MIA आने वाले दिनों में बहुत ही आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। मैं हमारे अफसर पाशा साहब से पूछ रहा था, ये जो तुम कर्नाटक के अंदर बनाए हैं, इसको जो है सारे हिंदुस्तान में एक यूनिट बनाना चाहते हैं, ये इनका मोटो है। तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि ज़रूर आप आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी कामयाबी की दुआ करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, और मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे कहीं और एक प्रोग्राम को जाना है। जियाउल्लाह शरीफ साहब से भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे जाने की इजाज़त दें, क्योंकि आप जब बैठे हैं तो आपको बगैर सुने के जाना ये ठीक नहीं है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।